जड़े लोग प्रचार कर रहे हैं, मेरे तो पहले मतलब 20 या 25 प्रधान रहे हैं, मेरे तो बाद भी किन्ने होने हैं। आ इंस्टीट्यूशन है सिख पंथ दियाँ तीन अपने इंस्टीट्यूशन, श्री अकाल तख्त साहब सुप्रीम अथॉरिटी, अपना पार्लीमेंट श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते श्रोमणी अकाली दल, इन्हों तिना कमजोर कर दोगे तो तुम अपनी कौम को कमजोर कर दोगे। आज जिहड़ियां ताकत सेंटर दियां सरकारां इन्होंने देख लिया कि कौम ऐ तां कमजोर होंदी नहीं, इन्हां इंस्टीट्यूशनां विच कमजोरी करो। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी क्यों तोड़ी है? एक सौ अंग्रेज़ों ने कोशिश की, चाबियों का मोर्चा लाया तो अंग्रेज़ों को आप आके देनी पड़ी चाबियां गुरुद्वारा साहब, आप गुरु घर उत्थे आके चाबियां देनिया पड़ियां। तो महात्मा गांधी जी ने उन्होंने आपको कहा कि सिख कौम अकाली दल के प्रधान लिखा थी कि आजादी की लड़ाई तुम्हें जीती है। हुण जिवें अज पार्लीमेंट का एक्ट है, पार्लीमेंट ने बनाया 5 स्टेटा का कानून है कि तोड़ के हरियाणा अलग कर दौ, मतलब की है एक्ट ही हरियाणा अलग कर दौ, उसके बाद हिमाचल अलग कर दौ, फिर उसके बाद मालवा का एक बना दौ, माझे की एक बना दौ, वो डांगो डांगी हुई जाओ तो ताकत अपनी पार्लीमेंट में जमा, डिवाइडेड रूल। एक अपने विच बंदे लभ लेंदे आ कि किहड़े बिजनेस नूं ज्यादा ध्यान रखते हैं, जिन्हां दे कोई असीं दबा लांगे तो खोजे अकाली दल नूं तोड़ के अपना अकाली दल बना लो। हुण इहनां दी इक सोच है कि एक सिख फ्रंट की अपनी पार्टी ना अकाली दल दिओ, वो लोग जिन्हां दा काम पंथक इशू नहीं अपने कौम को कमजोर करना है, जिन्हां तक आप आइडेंटिफाई नहीं करते पछाणदे नहीं कि असली कौन असी अपने कौन है। सिख खालसा जिहड़ा हैगा उहनूं सर्टिफिकेट लैण की लोड़ नहीं कि आ देश साडा है, सही मिणे ते देश ही अपना है। मैं पार्लीमेंट च कहा सी पार्लीमेंट गल चली गई देश की आजादी की 75 आजादी आजादी सारे बोली गए सारिया पार्टियां ने, मेरी वारी आई मैं कह जी तुसी सारे बोलते हो थानू पता है, अद्धे नूं तां पता ही नहीं देश नूं आजाद कराउण विच 95% योगदान कल्ले खालसा पंथ दा है।